स्वामी विवेकानंद उनके साथ सात दिन रहे क्योंकि स्वामी विवेकानंद वहां गए थे और निकोला टेस्ला ने अपने पेपर में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद से मैंने उपनिषद जब पढ़े और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया तो मुझे जीवन के तरफ देखने की एक नई दृष्टि मिली उस समय जिस समय विज्ञान जड़ और चेतन को बिल्कुल अलग अलग रूप से देखता था मैटर एंड एनर्जी को बिल्कुल अलग अलग रूप से देखता था मैटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एनर्जी और एनर्जी का घनीभूत रूप ही जड़ है या अभी तक आइंस्टाइन ने सिद्ध नहीं किया था आइंस्टाइन ने उसका इज इक्वल टू एमसी स्क्वेयर का फॉर्मूला नहीं दिया था उस समय की बात है और उस समय उपनिषद यह कह रहे हैं कि कण कण में चेतन व्याप्त है कण कण में ऊर्जा है और उस समय नहीं हजारों वर्षों से कह रहे हैं और इस देश में उसको लेकर के काम हुआ उसको लेकर के विज्ञान चला लेकिन वो विज्ञान हमने छपा दिया स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला को वो जीवन दृष्टि दी निकोला टेस्ला ने वह साइंस दिया जिसका आइंस्टाइन ने आगे चल करके दिया आइंस्टाइन ने अपने वाले पे, पेपर में निकोला टेस्ला को क्रेडिट दिया है उस बात के लिए कि यह थे पहले निकोला टेस्ला ने दी थी और निकोला टेस्ला ने क्रेडिट विवेकानंद को दिया है उपनिषद को दिया है जगदीश चंद्र बसु स्वामी विवेकानंद के साथ पंद्रह दिन रहे थे सन 1900 में एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के टर्न पे जब पेरिस के अंदर विश्व विज्ञान परिषद हुई थी वर्ल्ड साइंस कांग्रेस हुई थी और उस वर्ल्ड साइंस कांग्रेस का की नॉट एड्रेस स्वामी विवेकानंद ने दिया, तो दिया था स्वामी विवेकानंद वॉज इन्वाइटेड टू तो गिव द कीन ऑट एड्रेस ऑफ वर्ल्ड साइंस कांग्रेस और उसमें उन्होंने ये जड़ और चेतन के एकत्व की बात रखी थी आइंस्टाइन द्वारा इज इकल टू एमसी स्क्वेयर देने के लगभग दस ग्यारह वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने और लगभग उपनिषद का एक श्लोक उन्होंने बोला था जो लगभग यही बात कहता है जिसमें वो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि किसी भी वस्तु को यदि आप प्रकाश की गति से प्रक्षेपित करने में सफल हो जाते हो तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है दिस इज इज इक्वल टू एमसी स्क्वेयर क्योंकि सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जगदीश चंद्र बसु ने इस पर काम किया और उन्होंने कहा जब सारे विश्व में चेतन तत्व है ऊर्जा है तो इसको मैं सिद्ध करता हूं तो उन्होंने प्राणियों में तो मान ही रहे थे वनस्पति में मान नहीं रहे थे तो वनस्पति का सिद्ध कर दिया कि मेटल्स में भी जीवन होता है धातुओं में जीवन होता है आज आप जगदीश चंद्र बसु के नाम से सर्च करेंगे गूगल करेंगे या मेटल फटिक के नाम से धातुओं की थकान के नाम से गूगल करेंगे तो जगदीश चंद्र बसु का पेपर आपको मिलेगा ओपन सोर्स में अवेलेबल है उसको पढ़िएगा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि जैसे मनुष्य की बैटरी डाउन होने से वह थकता है वैसे किसी भी धातु के जीवन में भी थकान आती है और उस थकान के कारण उन्होंने बताए थे और यह उनकी पहली स्टेप थी जिसमें वो धातुओं में प्राण को सिद्ध करने जा रहे थे सारा विज्ञान बदल जाएगा यदि यह काम पूरा हो गया तो लेकिन 108 वर्ष हो गए जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान वहीं पर रुका हुआ है उनका नेक्स्ट प्रयोग था जगदीश चंद्र बसु का कि उन्होंने मेटल के ऊपर विष का प्रयोग होता है यह बात सिद्ध की इफेक्ट ऑफ साइनाइड ऑन फेरस यह उनका रॉयल ब्रिटिश सोसाइटी लंडन में प्रस्तुत किया गया पेपर है जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकली यह प्रूव किया उन्होंने एक लोहे की रॉड ली और उस लोहे के रॉड के होने में एक तार लगा करके उसके एंड में निब लगाई एक ग्राफ पेपर को चार्ट के ऊपर खड़ा किया वो निप को ग्राफ पेपर के ऊपर रखा और उन्होंने कहा कि इस रॉड के ऊपर मैं पोटेशियम तो ये रॉड थर थर और उस ग्राफ पेपर के ऊपर उस निब से और ग्राफ बनेगा जैसा कि आपका ईसीजी बनता है मेटल का ईसीजी बनाने का यंत्र उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत सिंपल सा नॉट वेरी सोफेस्टिकेटेड जगदीश चंद्र बसु ने बनाया रॉयल सोसाइटी लंदन में उसका प्रस्तुति की जिस समय उन्होंने वो साइनाइड डाला जो बोतल उनको दी गई थी साइनाइड के नाम से उसके अंदर से साइनाइड की दो बूंदे तीन बूंदे डाली नथिंग हैपन और ऐसे खचाखच भरी हुई सभा में जहां सारे वैज्ञानिक दुनिया के बैठे हैं यूरोप के ज्यादातर वैज्ञानिक वो सब हंसने लगे कि क्या मजाक करते हो धातुओं में कोई प्राण होता है क्या धातुओं को कोई भय होता है क्या धातु कोई डर सकता है क्या लोहा किसी से डरेगा क्या साइनाइड डालने से लोहे को क्या पता चलेगा कि यह है? जगदीश चंद्र बसु का कॉन्फिडेंस देखिए दिस इज साइंस जब आपने जीवन में प्रयोग करके निर्णय लिए होते हैं जब आपके निर्णय तुक्केबाजी में नहीं होते जब आपके निर्णय किसी दोस्त ने कह दिया इसलिए नहीं होते जब आप अपने निर्णयों को पूरी तरह से नाप करके वैज्ञानिक जीवन दृष्टि से लेते हो तब वो आत्मविश्वास आता है जगदीश चंद्र बसु ने जैसे वो कुछ नहीं हुआ ग्राफ के ऊपर और लोग हंसे जगदीश चंद्र बसु ने उस पोटेशियम साइनाइड लिखी हुई बोतल के अंदर रखे हुए द्रव को लिक्विड को सबके सामने पी लिया एवरीबडी स्टॉप्ट एकदम ये क्या हो गया पोटेशियम साइनाइड जो टच करने से मर जाता है आदमी और ये पूरा पी गए नथिंग हैपन उन्होंने कहा यदि इसका लोहे पे असर नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी साइनाइट क्योंकि लोहे पे असर होता है ये मैंने देखा जिसने बदल करवाया था जिसने षड्यंत्र से पानी रखवाया था उस बोतल में उसने आकर के उस प्यून ने आकर के माफी मांगी साइनाइड मांगा गया सबके सामने साइनाइड डाला गया और वो मेटल वहां पर कापा और मेटल के ऊपर साइनाइड का असर होता है ये बात जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध की और ये सिद्ध करने के छह महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई ये बात मैं 1911 के आसपास की बता रहा हूं आज 106 वर्ष में साइंस का है वी मूड इवन एन इंच फॉरवर्ड ये सिद्ध करने में कि धातुओं में प्राण होता है जबकि इस देश में यह सिद्ध हो गया है कि पत्थर में प्राण होता है मैं कन्याकुमारी में था 22 वर्ष मैंने विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के पूर्णकालिक के रूप में काम किया कन्याकुमारी में वह भव्य विवेकानंद शिला स्मारक बनाया आप लोग में से जो लोग नहीं भी गए होंगे टीवी पर देखा होगा स्वामी विवेकानंद का भव्य मंदिर है जहां पर बैठ करके उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिला था उसको बनाने वाले स्थपति आचार्य जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट थे वो कन्याकुमारी में एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में मैंने उनको बुलाया वो तमिल के अलावा एक शब्द नहीं जानते थे कोई तमिल के अलावा कोई भाषा नहीं बोल सकते थे अंग्रेजी का भी एक शब्द नहीं होता इसलिए जैसे अभी आपकी स्थिति होगी ना जब योगेश सिंह जी ने मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया जब उन्होंने उन्तीस बोला तो आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया होगा सर आपको 29,973 बताना चाहिए था आंकड़े तो हिंदी में नहीं पता चलते भले ही मातृभाषा हिंदी हो है ना ये दुर्भाग्य है हमारा हमने अपने आप से पूछा नहीं जिसको मां कहते उस मां नाम की भाषा का हमने क्या कर दिया उनहत्तर बताओ तो बच्चा पूछता है क्या सिक्सटी नाइन बताओ तो हाँ, ऐसे बताओ ना हिंदी में <laughs> वो स्थपति आचारी उसको तमिल के अलावा एक शब्द नहीं आता और मेरे को तमिल के बीच बीस पच्चीस पचास शब्द आते होंगे कन्याकुमारी में रहते रहते समझ लेता हूं तमिल नहीं आता बताने लायक तमिल आता है मुझे बोलना कि सामने वाले को यह बता दूं कि तमिल तेरी याद नहीं समझ में आती इतना तो समझा दूं उसको बाकी समझ में आ जाती सुनने से सारी भारतीय भाषाएं समझ में आती ईश्वर की कृपा ईश्वर की नहीं संस्कृत की कृपा है बचपन में संस्कृत सीखा तो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते वो भी एक विज्ञान है वाणी का विज्ञान है वाणी की शुद्धि का विज्ञान है और उसको आज हम भूलते जा रहे हमारे घरों में से भूलते जा रहे जिन परिवारों में हैं उन परिवारों में इसलिए हमको कोई भी भाषा एक भाषा ढंग से नहीं आती किसी एक भाषा में चार वाक्य बिना किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करे लिखने को कहो तो हम नहीं लिख सकते हमको अंग्रेजी में हिंदी के शब्द चाहिए हिंदी में अंग्रेजी के शब्द चाहिए हम एक भाषा में पूरा नहीं बोल सकते एक भाषा में पूरा नहीं लिख सकते उसका भी विज्ञान है जर्मनी में उसके ऊपर बड़ा शोध हो रहा है खैर मैं विषय परिवर्तन में नहीं जा रहा हूं मैं आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूं कि वनस्पति में प्राण के आगे मेटल में प्राण उसके आगे पत्थर में प्राण तक जाने का जो प्लान ऑफ एक्शन जगदीश चंद्र बसु के रूप मन में था वो, एक चला वो कहा चला गया वो विज्ञान कहां चला गया वो क्यों नहीं आगे बढ़ा क्यों नहीं हम में से कोई उसके ऊपर काम करने को तैयार क्योंकि क्या मिलेगा क्या पाऊंगा और क्या मिलेगा यह यदि मन में प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी ढंग से पूछ लेते स्थपति के आचार्य के साथ में बैठा था चर्चा चल रही थी कन्याकुमारी के लाइब्रेरी के बाहर हम बैठे थे वहां एक लाल पत्थर में लाल ग्रेड में सिंह की आधी बनी हुई मूर्ति पड़ी हुई है पूरी नहीं हुई आधी तराशी हुई है आधे में सिंह है आधा ऐसे ही छोड़ दिया मैंने स्थपति को पूछा ये तो इतनी सुंदर तराशी गई जिसने भी सिंह बनाया बहुत सुंदर भाव आ रहे चेहरे पे इसको आधे में क्यों छोड़ दिया ने उठे और कहा कि एक मिनट बताता हूं और जाकर के उसने जैसे हम वैद्य लोग नाड़ी परीक्षा करते हैं या डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़ करके या से परीक्षा करता है वैसे उस पत्थर के से इंच दूर हाथ रख करके उसने नाड़ी परीक्षा की और नाड़ी परीक्षा करके फिर उसने मुझे बताया कि अब मुझे पता चला क्यों नहीं हुआ तमिल में बोल रहे थे वो और उन्होंने बताया कि ये इसलिए नहीं बना सिंह क्योंकि ये स्त्रीलिंगी पत्थर है जिसमें से पुल्लिंगी मूर्ति बनाने की कोशिश की गई मैंने कहा पत्थर का भी लिंग होता है पत्थर का भी जेंडर होता है तो जब यह मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा बारह साल क्या